Hi guys, welcome back to my channel. Guys, आज के जो वीडियो है वो ऐसे प्रोडक्ट पे है जिसका आपने टीवी में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एड देखा होगा. मैं बात कर रही हूँ वुमेंस इलेक्ट्रिक ट्रिमर की. गाइज, ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का दिखता है. इस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हो अपने फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए और अपने आईब्रोज के जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो. ये आपके फेशियल हेयर रिमूव करता है इंस्टेंटली एंड पेनलेस. गाइस, इस प्रोडक्ट को मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से. अमेजोन में इसका वाइट कलर दिख रहा था लेकिन मुझे रिसीव हुआ ये पिंकिश गोल्डन कलर में. और जब मैंने इसको ऑर्डर किया तो ये 3-4 डेज में मेरे पास आ गया था. इसकी रेटिंग अमेजोन में 3 स्टार थी बट मैं इसको ट्राई करना चाहती थी कि ये वर्क करता है कि नहीं और ये इंस्टेंटली फेशियल हेयर रिमूव करता है और पेनलेस होता है कि नहीं, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया. जब मैंने इसको यूज़ करा तो यूज़ करने के बाद आज मैं अपना इसका फाइनल रिव्यू करने वाली हूँ, साथ ही साथ इसका डेमो करके दिखाऊंगी. तो इसके लिए आप वीडियो पूरी देखिएगा. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. लेट्स गो टू द वीडियो. ये प्रोडक्ट इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है. आप देख सकते हैं ऑल इन्फॉर्मेशन सब इसके ऊपर लिखी होती है. इस प्रोडक्ट को मेंशन किया होता है कि रिमूव्स हेयर इंस्टेंटली एंड पेनलेस एंड दिस प्रोडक्ट इज़ परफेक्ट फॉर आईब्रोज. लेकिन अमेजोन में इस प्रोडक्ट के बारे में मेंशन किया हुआ है कि ये प्रोडक्ट आईब्रोज हेयर के साथ साथ आपके फेशियल हेयर भी रिमूव करता है. इस प्रोडक्ट का प्राइस कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन अमेजोन में इसका प्राइस मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ 1499 रुपीज़. एंड ये प्रोडक्ट मुझे 499 रुपीज़ में मिला था, यानी कि 500 रुपीज़ में अमेजोन से मिला था. जब आप इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग ओपन करोगे तो आपको एक बॉक्स मिलेगा. इस बॉक्स के अंदर आपको 3 चीज़ें मिलती हैं. एक होता है इलेक्ट्रिक ट्रिमर जिसकी शेप बिल्कुल पेन जैसी होती है. इसके अंदर बैटरी इंक्लूडेड होती है जो कि आप चार्ज कर सकते हो. चार्ज करने के लिए एक USB चार्जर दिया हुआ है और एक ब्रश दिया हुआ है जिससे आप इस इलेक्ट्रिक ट्रिमर को क्लीन कर सकते हो. गाइस, इस प्रोडक्ट को बेहतर जानने के लिए एक मैनुअल भी दिया हुआ है जिससे आप पढ़कर इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो. इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, यूज़ करने का सही तरीका और यूज़ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. अब हम आते हैं इस इलेक्ट्रिक ट्रिमर पर. गाइस, ये इलेक्ट्रिक ट्रिमर इस तरीके की पैकेजिंग में आता है. पिंकिश गोल्डन कलर की इसकी पैकेजिंग है. बॉडी जो है इसकी प्लास्टिक की है. इसके नीचे एक USB पोर्ट दिया हुआ है जिसको आप चार्ज कर सकते हो इस चार्जर की हेल्प से. जब आप इस कैप को ओपन करोगे तो आपको एक स्विच दिखाई देगा. इस स्विच को अपर डायरेक्शन में स्लाइड करते ही ये ऑन हो जाएगा और एक लाइट जल जाएगी. ये लाइट इसलिए दी गई है जिससे आप अपने फेस के फाइनेस्ट हेयर भी देख सको. जब ये ऑन हो जाएगा तो इस तरीके की साउंड आएगी और जब आप उसको ऐसे स्लाइड करोगे नीचे की तरफ तो ये ऑफ हो जाए. जब भी आपको ये प्रोडक्ट रिसीव हो, अगर इस प्रोडक्ट की लाइट ऑन नहीं हो रही है तो सबसे पहले आपको इस USB चार्जर की हेल्प से इस प्रोडक्ट को चार्ज करना है और फिर इसको यूज़ करना है. ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप है लेकिन अगर आपके एक्ने हो रहे हैं या आपके स्किन में ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम है या फिर आपके स्किन में कहीं कट लगे हुए हैं तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करिएगा. ये प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है. पतला सा, छोटा सा, कॉम्पैक्ट सा है जिसे आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, तो इसकी वजह से ये प्रोडक्ट ट्रेवल फ्रेंडली भी है. इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले अपना फेस वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद कम्प्लीटली ड्राई कर लीजिए. जब भी आप इस इलेक्ट्रिक ट्रिमर को यूज़ करेंगे तो आपके फेस पे कोई क्रीम भी नहीं होने चाहिए और अगर आपके फेस पे कोई मेकअप है तो उसको क्लीन करके वॉश कर लीजिए और कम्प्लीटली ड्राई कर लीजिए. फेस को ड्राई करने के लिए आप टेलकम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और आपको उसको यूज़ करते समय वैसे ही यूज़ करना है जैसे कि आप वैक्सिंग कराते समय या फिर थ्रेडिंग कराते समय यूज़ करते हैं. आपको अपनी स्किन टाइटली पकड़नी है और फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन में इसको यूज़ करना है. अगर इसकी स्पीड यूज़ करते समय स्लो डाउन हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उसका हेड क्लीन करना होगा. गाइस, वैसे तो ये प्रिसीजन टिप 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है लेकिन मुझे इसमें डाउट होता है कि सच है कि नहीं. लेकिन जब भी इसकी स्पीड स्लो डाउन होगी तो आपको इसको क्लीन करना होगा. अगर इसकी स्पीड फिर भी ठीक नहीं होती है इट मीन्स आपको USB पोर्ट से चार्ज करना होगा. गाइस, इस प्रोडक्ट को यूज़ करते समय हो सकते हैं आपकी स्किन थोड़ी सी रेड हो जाए तो इट्स नॉर्मल क्योंकि जब भी प्रेशर पड़ता है तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है जिसके वजह से स्किन रेड हो जाती है. इस प्रोडक्ट को 12 ईयर्स के छोटे बच्चे यूज़ नहीं कर सकते हैं, 12 ईयर्स के अबव लोग ही यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी स्किन में कोई भी कट है या इरिटेशन है तो आपको यूज़ नहीं करना है और इस प्रोडक्ट को आप अंडर वाटर नहीं यूज़ कर सकते हो. इस इलेक्ट्रिक ट्रिमर के हेड को क्लीन करने के लिए इस प्रोडक्ट को स्विच ऑफ करना है तभी आप इसको क्लीन कर सकते हैं. इसके लिए आप इसके हेड को
काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए और ऊपर की तरफ पुल करिए। आपको एक वाइट कलर का स्टेम दिख रहा होगा, इस स्टेम को निकालिए और इसको ब्रश की हेल्प से क्लीन करिए। आपको दोनों चीज़ें इस तरीके से क्लीन करके फिर इसको इस तरीके से अंदर इंसर्ट करना है और उसके बाद इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घुमाना है। अब इस इलेक्ट्रिक रिमूवर को यूज़ कैसे करना है और इसको हम किन किन जगह यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसका। इस इलेक्ट्रिक रिमूवर को सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी अपने आईब्रो के एक्स्ट्रा हेयर रिमूव करने के लिए। गाइज आप देख सकते हैं मुझे ये एक्स्ट्रा हेयर रिमूव करने हैं। इसको यूज़ करने से पहले मैं अपने स्किन पर लगाऊंगी टेलकम पाउडर जिससे मेरी स्किन कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। फिर इस यूनिट को ऑन करूँगी, स्विच ऑन करने के बाद ये इसकी लाइट जल जाएगी और इसमें इस तरीके की साउंड आएगी और फिर मैं इसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करूँगी। गाइस आपको छोटे छोटे सर्कुलर मोशन अप्लाई करने हैं और थोड़ा स्लो प्रोसेस करना है जिससे ये आपके हेयर निकल जाए। ये इलेक्ट्रिक ट्रिमर मेरे आईब्रो के हेयर निकालने में थोड़ा सा टाइम दे रहा है क्योंकि मेरे आईब्रो के जो हेयर हैं बहुत ही फाइन हैं, छोटे हैं और कुछ एक दो हेयर तो अंडर ग्रोथ भी हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन ये फुल ग्रोथ हेयर को निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता है, इंस्टेंट रिमूव करते हैं वो भी पेन फ्री। गाइस जब आप इस इलेक्ट्रिक ट्रिमर का यूज़ करते हो तो आपकी स्किन में बिल्कुल भी रेडनेस नहीं आती है। आप देख सकते हैं मेरी स्किन में कोई भी रेडनेस नहीं आई है। तो ये आपके स्किन में कोई भी रेडनेस नहीं लाता है। जनरली हम वैक्सिंग कराते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी रेड हो जाती है, तो उसको यूज़ करने के बाद बिल्कुल भी स्किन रेड नहीं होती है। इस प्रोडक्ट को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ऑल ऑफ सडन आपको किसी पार्टी में जाना पड़ जाए और आपके पास टाइम नहीं है सैलून जाने का, तो आप इस प्रोडक्ट का यूज़ करके अपने फेस के फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं और जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स है उसको इंस्टेंटली रिमूव कर सकते हैं। गाइस मेरी एडवाइस ये है कि जब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं इमरजेंसी में ही यूज़ करिए, आप इसको डेली बेसिस पे मत यूज़ करिए क्योंकि है तो ये ट्रिमर ही है, ये ऊपर की सर्फेस क्लीन करता है। जब आप वैक्सिंग और थ्रेडिंग करवाते हो तो वो आपके बाल अंदर से निकालता है जो कि काफ़ी टाइम लेते हैं आने में, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद 4-5 डेज़ के बाद आपके हेयर आने लग जाते हैं। गाइस ये था मेरा एक्सपीरियंस, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। मैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।